तो हेलो दोस्तों, आज हम ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे, जिससे एसी को डीसी किया जाता है। इसमें हाफ वेव कन्वर्सन, फुल वेव कन्वर्सन और फिल्टरेशन, ये सब के बारे में बताएंगे। और बताएंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में जियो आप ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में जानते होंगे, बट ये पॉइंट्स के बारे में नहीं जानते होंगे। वो सब पॉइंट्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो डिटेल्स में होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले डायोड के बारे में जान लेते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से ही होता है। तो डायोड अगर नहीं वीडियो देखा तो मेरे चैनल में एक डायोड का वीडियो है, वो देख लेना। डायोड का काम होता है एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना, इससे ही हम एसी को डीसी करेंगे। तो ये है डायोड और ये होता है इसका सिंबल। ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ये एरो दिख रहा है ना, वही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने से पहले एसी लाइन को समझ लेते हैं, और कैसे हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे उसको लॉजिक को पहले समझ लेते हैं। तो क्या होता है एसी लाइन में, एसी लाइन के जो दो वायर होता है उसमें से एक वायर इसको इसके साथ लेते हैं टाइम के साथ, जो कि वोल्टेज जीरो होगा, और एक वायर में हम टाइम के साथ साथ ही वोल्टेज चेंज होता रहता है। ये देखो, ये बराबर वोल्टेज चेंज होता रहता है। ओके, तो प्लस में जाएगा, कभी माइनस में जाएगा। बगैर डीसी लाइन में क्या होता है, एक तार दो तार में ही जो दो वायर होता है उसमें एक को जीरो वोल्ट होगा तो दूसरे में कुछ वोल्टेज होगा जो चेंज नहीं होगा और एक ही डायरेक्शन में जाएगा। एसी लाइन में वो नहीं होता, एसी लाइन में दोनों डायरेक्शन में जाता है। देखो, पहले प्लस में था, उसके बाद वही तार से बैक आएगा करंट, माइनस में हो जाएगा। तो इसको ही हमको डायोड के जरिए ठीक करना है, और वो रेक्टिफायर कहलाता है उसको। ओके, तो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर देख लेते हैं, उसके बाद फुल वेव देखेंगे। तो पहले हाफ वेव देखते हैं कि हाफ वेव में कैसा है। हाफ वेव मतलब ये ऊपर का जो सेक्शन है उसको ही डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, नीचे का जो सेक्शन है उसको नहीं करेगा। मतलब जब भी प्लस आएगा एसी लाइन में एक तार में, तभी वो डीसी करेगा। मगर उसमें जब माइनस आएगा ना, तब वो रिजेक्ट कर देगा डायोड में। कैसे करते हैं हाफ वेव में देखते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये होता है एक ट्रांसफार्मर जिसमें 220 वोल्ट आता है। तो इसमें से अगर 12 वोल्ट ले लेते हैं, दो एयर आएगा। रियल वर्ल्ड में ये ट्रांसफार्मर होता है, ये दो एयर होता है। इसको ले के हम एक वायर को डायरेक्ट लोड में कनेक्ट कर देंगे, दूसरे वायर को एक डायोड के जरिए लेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस है। ओके, तो क्या होगा, ये होता है साइन वेव। जब जब साइन वेव का ये ऊपर जो है ना, ऊपर का हिस्सा आता है, तब तब ये डायोड एक्टिवेट होता है और इस तरफ करंट फ्लो होने देता है। नीचे की तरफ आता है तो इस तरफ करंट को फ्लो होने नहीं देता है। तो क्या होता है, इस सेक्शन में डीसी वोल्टेज पा जाते हैं। देखो, इस सेक्शन में आता है तो क्या होता है, डीसी वोल्टेज का डेफिनेशन अगर इससे मैच करें तो डीसी वोल्टेज एक ही तरफ का करंट जाता है। ओके, करंट जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, करंट जा रहा है, तो ये डीसी हो गया। बट ये वेरिएबल डीसी होता है, ये हो गया हाफ वेव। बट अब हम जानेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। फुल वेव रेक्टिफायर को जानने से पहले देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, कि फुल वेव का हमको ज़रूरत पड़ गया। इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या है कि ये जब जब ये साइन वेव का जो ये जो साइन वेव है ना, साइन वेव का जो ऊपर हिस्सा होता है वो जब आएगा तभी ये ऑन होगा और लोड को चलाएगा, बाकी हिस्सा तो ये ऑफ रहेगा। तब जब तक ये ऑफ रहेगा ना, तब तक ये लोड भी ऑफ रहेगा। हमारा अगर इसमें कोई लाइट है तो क्या एलईडी है ना, तो हमारा आँख इतना सेंसिटिव नहीं होता है कि इसको पकड़ ले, तो इसीलिए हमको पता नहीं चलता कि ये ऑफ हो रहा है। पर एक्चुअली ये ऑफ हो जाता है, जब जब ये सेक्शन आता है तब ये एलईडी अगर होता है तो ये ऑफ हो जाता है। हमको पता नहीं चलता मगर ये ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए ये जो आउटपुट लाइन है ना, इसका मात्र 50% ही ये यूज़ कर पाता है, बाकी का हिस्सा ये रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि नीचे का हिस्सा तो ये रिजेक्ट ऑलरेडी कर चुका है। तो इसीलिए हमको पूरा यूज़ करने के लिए हमको फुल ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए, जो कि होगा जो फुल वेव रेक्टिफायर, जो पूरा वेव को रेक्टिफाई करे। तो कैसे करते हैं वही देखेंगे अब फुल वेव रेक्टिफायर में। और फुल वेव रेक्टिफायर को डायोड को ऐसे अरेंज करना है चारों को ही। तो ऐसे अरेंज करने के बाद अगर देखो, ये पॉइंट में हम एसी देंगे और ये पॉइंट से प्लस और माइनस निकलेगा, ये पॉइंट से प्लस निकलेगा, ये पॉइंट से माइनस निकलेगा। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखो, जब ये ऊपर का हिस्सा आएगा तब एक वायर में प्लस होगा, एक वायर में माइनस होगा। तो ये चार डायोड में एक टाइम में दो डायोड ही एक्टिवेट रहता है, बाकी दो ऑफ रहता है। तो दो डायोड एक्टिवेट हो जाएगा, एक से जाएगा करंट और एक से करंट आएगा। ओके, ये फुल वेव को रेक्टिफाई कर देगा, माने हाफ वेव को। उसके बाद आता है अगला हाफ वेव, तो उसको जब रेक्टिफाई करना होगा ना, जो डायोड ऑन था वो ऑफ हो जाएगा, अगला जो दो डायोड है वो ऑन हो जाएगा।
तो क्या करेगा, तो ये इस वेव को रेक्टिफाई करेगा उसी तार में। देखो जो तार में प्लस और माइनस था ना, वो चेंज हो जाएगा, अब उस तार में माइनस होगा और इस तार में प्लस होगा। ओके, बट ये नहीं चेंज होगा, इसमें प्लस और माइनस सेम रहना है, ये डीसी है ना। तो अब अगला जो डायोड एक्टिवेट हो जाएगा और इससे इससे करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, तो ये लोड कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और जो हमारा ये साइन वेव है, ये बदल के कैसा हो जाएगा, ये बदल से ऐसा साइन वेव दिखेगा, जब ये भी होगा और ये भी होगा। ओके, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि नीचे वाला इससे ऊपर में चला जाता है, ये डायोड के थ्रू होता है। अब इसको सिंपली ऐसे समझते हैं कि नीचे वाला उससे ऊपर में चला जाता है। ओके, हम हाफ ब्रिज सीख लिए, फुल ब्रिज भी हमको सीख लिए, उसके बाद हम सीखेंगे कि एक्चुअली ये तो डीसी है, डीसी है, बट हमको ना ये गैप नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब गैप आएगा ना, वो वोल्टेज देखो कम रहा है, उसके बाद फिर से बढ़ जाएगा वोल्टेज, तब क्या होगा, लोड के साथ हो तो यही होगा ना, लोड भी बार बार डिम करेगा, उसके बाद फिर से ग्लो करेगा, उसके अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। हमको चाहिए कांस्टेंट करंट। ओके, कांस्टेंटली करंट चाहिए, क्योंकि डीसी में ऐसा होता है, ये डीसी है बट ये प्योर डीसी, देखो प्योर तो नहीं जा रहा है ना, एक लाइन सीधा नहीं जा रहा है, तो हमको सीधा करना है इस लाइन को। कैसे करेंगे, फिल्टर करके। फिल्टर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैपेसिटर एंड इंडक्टर। देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। कुछ नहीं, बस रेक्टिफायर का जो आउटपुट सेक्शन है उसके साथ एक इंडक्टर सीरीज में लगा देना है और एक कैपेसिटर पैरेलल में, उसके बाद जो आउटपुट होगा ना वो सीधा लाइन के बराबर होगा। ऐसा तो परफेक्ट नहीं होगा बट इसके जैसा ही होगा, मगर एक प्रॉब्लम है, ये कैपेसिटर का वैल्यू कैलकुलेशन करना चाहिए। आप बहुत हाई वोल्टेज का लगा सकते हैं बट इसका वैल्यू कैलकुलेशन करके ही लगाना चाहिए, तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर जल्द ही आ जाएगा, तो आप उसके वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इतने तक तो हम सीख गए कैसे एसी को डीसी किया जाता है और फिल्टर किया जाता है। ओके, तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा जो कि आपको इस रेक्टिफायर में जानना जरूरी है। तो क्या पॉइंट्स हैं, तो पहला आता है कि वोल्टेज अप। तो आप नोटिस करोगे जब भी आप एसी को डीसी में करोगे कुछ वोल्टेज अप हो जाएगा, कुछ वोल्टेज, तो वो कैलकुलेशन कैसे करता है। क्या होता है कि आप एसी लाइन में पीक टू पीक वोल्टेज होता है ना, वो कैलकुलेट नहीं करते। जब हम बोलते 220 वोल्ट तो हम इसके बात करते कि ये लाइन बराबर 220 वोल्ट है, हम ये लाइन बराबर 220 वोल्ट नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि देखो ये ऑफ हो रहा है ना, बार बार ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसको आरएमएस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इसीलिए हम 220 वोल्ट इस वैल्यू को बोलते हैं, बट जब डीसी करेंगे तो इस पीक वोल्टेज में जाएगा, तो पीक वोल्टेज में जब जाएगा उसका कैलकुलेशन होगा, तो मेन वोल्टेज इंटू रूट टू, रूट टू का वैल्यू होता है 1.414, करीब करीब ऐसा ही होता है, तो कुछ वोल्टेज बढ़ जाता है। ओके, तो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद जो पॉइंट आता है पावर लॉस। पावर लॉस क्या है, ये डायोड 0.7 वोल्ट ड्रॉप करता है, पूरा जो डायोड होगा वो 0.7 वोल्ट ड्रॉप करेगा। आपको V=IR फॉर्मूला के हिसाब से आपको पावर लॉस मिलेगा। इस पावर लॉस को अवॉइड करने के लिए हम एक्टिव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। चलो ये तो हो गया चार डायोड इस्तेमाल करके फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप जो ट्रांसफार्मर होता है ना, जिसमें तीन वायर निकलता है, उसमें दो डायोड इस्तेमाल करके भी हम फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसका वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। इस वीडियो में कोई सवाल है तो कॉमेंट में ज़रूर पूछें, अगर आंसरेबल हुआ तो इसके आंसर देने का कोशिश करूँगा, नहीं तो उसके बारे में एक अलग सा वीडियो भी बना के लाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।